साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ओपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। ओपी सिंह जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा हैं। सुधा मिश्रा जी आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हैं। अभिषेक जी आपका स्वागत है। ओपी सिंह साहब शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं, सबसे पहले आपको बधाई शुभकामनाएं इस जीत को लेकर। पहला रिएक्शन इस जीत पर आपका? भाई अरे भैया कोई खाली नहीं है, थक गया हूं, अब कोई लेऊंगा भी नहीं। ओपी सिंह साहब आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए अभिषेक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सुधा मिश्रा जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? अगर आप लोग म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए। नमस्कार सभी को। जी 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 सुधा जी आपको आवाज मिल रही है? मेरा नाम जिया मंजरी है, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। और बधाई हो जी ओम प्रकाश जी आपको, आपकी पार्टी को विजय मिली। जी जिया जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। जी बाबा की बेबाक विजय हुई है, बाबा के नेतृत्व में। के लिए मैं यूपी के बीजेपी सभी कार्यकर्ताओं को और पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगी, नेतृत्व को बधाई देना चाहूंगी, प्रदेश को बधाई देना चाहूंगी। जिया जी एनालिसिस कैसे कर रही हैं बीजेपी की इस जीत का? अभी मुख्यमंत्री को आपने सुना होगा, जनता को धन्यवाद तो उन्होंने किया, साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज की और ये पहली बार हुआ है कि जब 17 नगर निगम में बीजेपी के मेयर बने हैं। देखिए ये शीर्ष नेतृत्व जो रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जी, उनकी कार्य प्रणाली जो है वो बहुत तीव्र है और बहुत तीक्ष्ण है और बहुत ध्यान से, वो बहुत अनुशासन से काम करते हैं और उन्हें काम करवाना भी आता है। जी देखिए ये चुनाव जो है बहुत ग्राउंड लेवल का चुनाव होता है, आप सभी को पता है कि बुनियादी जरूरतें हैं जनता की, उनके ऊपर ये चुनाव लड़ा जाता है। और कितना वो सुखी है ये एक कह दीजिए एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये दिखता है इन चुनाव के रिजल्ट में। जी तो वो दिखा है इस रिजल्ट में। आप कहते हैं कि देखिए कि कई सारे लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति, परंतु यूपी में जो कि इसका गढ़ माना जाता है, बहुल्य इस प्रकार की जातिवाद या फिर मान लीजिए कि धर्मवाद की राजनीति का, किंतु वहां पे जनता ने इस प्रकार के प्रोपोगेंडा को, इस प्रकार के एजेंडा को नकारा है और विकास को और सुरक्षा को और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। ठीक है ओपी सिंह साहब आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी आपकी आवाज आ रही है सर। बधाई सबसे पहले आपको, शुभकामनाएं, रिएक्शन आपका पहला? आपको भी बधाई, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई। सर कैसे मिली ये जीत? कैसे मिली? ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और आप देखिए कि दो देखिए सबसे बड़ी बात यह है। ओपी सिंह जी आपको मैं थोड़ा सा सर यहाँ पर माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस हो रहा है, बाकी गेस्ट भी नहीं सुन पा रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, माफी के साथ आपको सर मैं रोक रहा हूँ। एक बार कनेक्शन को हम ठीक कर लेते हैं पहले। अभिषेक जी के पास हम चलते हैं। अभिषेक जी आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है जी, आपकी भी आवाज क्लियर आ रही है सर। सर रिएक्शन चाहूंगा आपका आज के नतीजों को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी नगर निगम में जीते, इसके साथ ही ये बंपर जीत लगातार जो विपक्ष के तौर पर आप लोग आरोप लगाते रहे कि भ्रष्टाचार हुआ या तमाम सारे मुद्दे, आखिर क्यों बीजेपी को एक बार फिर से जीत मिली? रिएक्शन आपका? जी सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई, क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे संबंध भी है और बहुत मानता भी हूँ इनको, तो ओम प्रकाश जी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं हैं। और लेकिन एक छोटी सी लाइन मुझे याद आ गई कि
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात को कहा भी था कि जी न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला जैसे भी सही ऐसे भी सही वैसे भी। बिल्कुल ठीक बात है और मैं इस बात को मानता भी हूँ। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आदरणीय मुख्य, क्योंकि मैं थोड़ा सा मंजरी जी की बात से सहमत नहीं हूँ, हम अपनी बात को मानते हैं कि डिलीवर हम पूरी तरीके से नहीं करता है, लेकिन जैसा कि अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने किसी भी रैली में अपने किए गए कामों को गिनाया नहीं। एक एक जब काम था उसको उन्होंने जो जो मौके की नजाकत कह लीजिए कि अतीक एनकाउंटर को लेकर के पूरी हर एक रैली में उन्हीं चीजों को लेकर के कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 20 काम भी गिनाने के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी 20 काम गिना सके, लेकिन ठीक है जनता जनार्दन तक हम अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाए या हमारी नाकामयाबी है और हम इस पे मंथन करेंगे और इस पे मंथन करने के बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है कि हम आखिर हम। लेकिन मैं एक चीज का आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे। हम जनता के मुद्दों पर बात अच्छी करते बात हैं, है सर जी। आज नहीं तो कल जनता अपना आशीर्वाद प्यार देगी जरूर, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि जनता जब जिस दिन इस बात को देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी के छलावे रूपी राजनीति से बाहर निकल करके देखेगी तब उस बात को भी जनता समझेगी। ठीक है, सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शायद आवाज आ रही है सुधा जी आपको। सुधा जी आप अगर म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए। जी आवाज आ रही है। जी 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 जी, सबसे पहले आपको कर्नाटक के लिए बधाई, और सवाल बहुत मेरा यह है कि उत्तर प्रदेश में क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं उभर पा रही है, इसके पीछे के कारण क्या है? जी प्रश्न थोड़ा सा आपने बधाई के साथ अगर चेंज कर दिया होता कि योगी जी और मोदी जी कर्नाटक में क्यों नहीं चल पाए तो प्रश्न की मिठास बढ़ जाते। कोई बात नहीं, आपने प्रश्न चेंज नहीं किया, लेकिन मैं उसको सारी जनता को जिसने जनादेश यहाँ नहीं दिया और जहाँ दिया दोनों की बधाई देती हूँ। अभी हमारी पॉलिटिकल जो थी उन्होंने जो बातें की, मैं आपको अगर दिखाऊं पिछले एक घंटे से मैं जाम में हूँ, तो अगर जनता इन मुद्दों को देख नहीं पा रही कितना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है हम जीते तो नहीं है ये सबको मालूम है यही सत्य है, लेकिन जब जनता लखनऊ में जो अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए क्योंकि राजधानी है तो यहाँ से बात होनी बहुत जरूरी है, 34% में 34% लोगों ने बाहर निकलना उचित समझा। सोचिए कितने परसेंट लोगों को ये जनता को अपने तरफ नहीं कर पाए, इसका मतलब जो न्यूट्रलिटी आई है इस समाज में ये किसकी देन है, इस पे प्रश्न कौन करेगा? ये प्रश्न उठता इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में हर एक मत का अपना स्थान होता है, और जब जनता अपने नली नाले और गली और गंदगी और कूचों से छोड़ के सिर्फ और सिर्फ 80-20 के लोगों में रह जाए जो जरूरतार है, आप देखा होगा आजकल लखनऊ में जादूगर लोग आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जादूगरों ने तो एक बांध के रखा हुआ है दिमाग और सब कुछ, लेकिन जनता की वो जो इंद्रजाल है ना उसे काटने में वक्त लग सकता है, लेकिन वो इंद्रजाल कटेगा जरूर, क्योंकि अगर 34% लखनऊ की जनसंख्या वोट ही देती है बाकी लोग नहीं देते हैं तो लोकतंत्र कितना सक्रिय है इसकी आप एक बार सोच के देखिए कि कितने परसेंट लोग चाहते ही नहीं है कि क्या करें जब कुछ बदलना ही नहीं है तो मतदान करें ही क्यों। ये जब उदासीनता समाज में आ जाए ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर मैं बोलूं कि लोगों ने क्यों ऐसा किया तो लोग कहेंगे आपको जनादेश का सम्मान करना नहीं आता है। मैं जनादेश का सम्मान करते ही बात कर रही हूँ क्योंकि ये जनादेश ही है जिसने 34% लोगों को, और जितने वापस गए उनकी बात कौन करेगा, जिनको बूथों से वापस जाना पड़ा आखिर वो भी तो लोग थे ना जिनकी लगभग संख्या लाखों में थी, उन्हें मतदान का अधिकार उनसे छीन लिया गया। इससे बड़ा और उपहास वाला चीज क्या हो सकता है कि जिस सरकार में डबल इंजन और ट्रिपल इंजन चल रहा था वही सरकार लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित रख रही है। अगर लखनऊ के ये हालत थे तो सोचिए बागपुरी जगहों पे क्या हुआ होगा। क्या ये प्रश्न नहीं है? जीत की खुशी में कम से कम लोग ये ना भूल जाए कि जो जनादेश मिला है वो आधा अधूरा है क्योंकि आपने इंद्रजाल तो रचा लेकिन उस इंद्रजाल के मायने क्या है इस लोकतंत्र के लिए, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बहुत जरूरी है। अभी हमारी बहन बहुत स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रही थी, कहाँ और कितना इसकी बात कौन करेगा, कितना किया गया, मेट्रो कहाँ तक और बढ़ा इन 6 सालों में, क्या कोई प्रश्न है? सिर्फ मैन एट वर्क है लेकिन कौन सा वर्क हो रहा है इस पे कोई प्रश्न नहीं है। अरे कब तक आप लोगों को बहलाते रहेंगे बताते रहेंगे कि हमने किया किया क्या है, इस पे बात कब होगी? तो मेरा प्रश्न यही है, बिल्कुल जनादेश हमको स्वीकारते हैं लेकिन अगर चेहरा यूपी में चला
तो कर्नाटक में क्यों नहीं? अगर कर्नाटक में सच है तो यहाँ क्या हुआ? ये दोनों प्रश्नों को एक साथ रख के अगर बात की जाए तो एक बात समझ में आएगी कि निकाय चुनाव जिन मुद्दों पे होना चाहिए था उनसे कहीं ना कहीं जनता को हटके इन्होंने जो राजनीति करनी थी की, लेकिन मैं जानती हूँ कि पर्दा इंद्रजाल का कितना भी चेहरा क्यों ना हो हटता जरूर है, हटेगा जरूर, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात है ना कि लोग जुड़े होते हैं इसमें और लोगों का चुनाव का जो अधिकार है वो उनको वापस मिलेगा और लोग बताएंगे सच्चाई और झूठ का फर्क क्या होता है। ओपी सिंह साहब, आपको आवाज मिल रही है? नहीं नहीं सर, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं लौट रहा हूँ सर, माफी चाह रहा हूँ आपसे। जिया मंजूरी जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। चूंकि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, हार हुई है, इस बात को तो सब स्वीकार कर ही रहे हैं। इसके साथ ही चूंकि एक चलिए मैं माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूँ, आप सभी के पास मैं लौटूंगा। इस वक्त एक